Hello students, today we will learn about descriptions of the groups. हम groups को in a modern periodic table किस तरह से describe कर सकते हैं. Let us start this discussion. जैसे कि आप जानते हैं what are groups in a modern periodic table. It means groups हमने किसको कहा. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, इस टाइप की जो लाइंस हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सो इन्हीं एलिमेंट्स की लाइंस को हमने ग्रुप्स कहा. इट मींस ऑल द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, उसको हम ग्रुप कह सकते हैं. अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप, उसको हम ग्रुप कहते हैं. हेयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर अबाउट 18 ग्रुप्स, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1, 2, 3 एंड अप टू 18, और जो हमारे 18 तक जाते हैं. अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, जो ग्रुप की यहाँ पर अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, एक ग्रुप के अंदर हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारे पास कोई ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इट मींस एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स having similar valence shell electronic configuration. It means एक particular group में हमारे पास जो भी elements होंगे उनकी outermost shell configuration same होगी. अगर आप alkali metal group की बात करते हैं तो alkali metal group में हमारे पास उनकी outermost shell की configuration जो है that will be equals to NS1. It means the outermost shell contains only one electron. उसमें उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में हर एक एलिमेंट जो होगा उस हर एक एलिमेंट की आउटरमोस्ट कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होगी वो NS1 ही पाई जाएगी, चाहे वो लिथियम हो, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड सो. ओके एंड हैंस एग्जिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टीज, और आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल आल्सो बी सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर एलिमेंट. उनकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिमिलर होंगी. हेयर वी हैव एग्जाम्पल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ये सभी मेंबर्स जो हैं सेम ग्रुप के हैं एंड दैट इज अ ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. जिन सभी के वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. नेक्स्ट वी हैव द ग्रुप 18, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 है इज ऑल्सो नोन एज अ ज़ीरो ग्रुप, इसको हम स्पेशल नाम हमने दिया है. और इस ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे काफ़ी स्पेशल हैं. ऐसी क्या ख़ास बात है, इस ग्रुप 18 के मेंबर्स को हमने ज़ीरो ग्रुप कहा बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेस. यहाँ पर हमारे पास नोबल गैसेज आती हैं, नोबल गैसेस जिनको हम इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं. इनर्ट गैसेस मतलब दिस ग्रुप कंटेन्स दोज एलिमेंट्स, इस ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल होगी और उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा. इट मींस
उनको स्टेबल होने के लिए किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अ ज़ीरो ग्रुप बिकॉज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज़ ज़ीरो। दस 18th ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस। इसी कारण से इसको हम नोबल गैसेस का ग्रुप भी बोलते हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स 1, 2, 13 to 17, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13 से 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। दिस इज नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन सभी को हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो ग्रुप नंबर फर्स्ट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर सेकेंड, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड 13 to 17 के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर वेरी यूजफुल इन अवर लाइफ। मतलब ये हमारे लाइफ में भी, और एक तरह से आप ये कह सकते हो इनका यूज़ हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी होता है। इसीलिए हमने इन एलिमेंट्स को नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा। हेयर इफ वी टेक द एग्जांपल, वी हैव अ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इन सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है दीज बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें आगे, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 1 and 2 आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास उनको तो हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वी कॉल देम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनकी जो नेमिंग है उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसके अंडर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम एंड सो ऑन। ये हमारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। और इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप नंबर 17। जो हमारे पास 17 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वी कॉल देम हेलोजन्स। उनको हम हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। हेलोजन इज अ फैमिली ऑफ द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इट मीन्स इट इज़ अ फैमिली ऑफ द नो नॉन मेटल्स। मतलब नॉन मेटल की कैटेगरी के जो एलिमेंट्स हैं और विच आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और जो क्या करते हैं दे कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीज ऑल एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर नोन एज हेलोजन्स। और ये हेलोजन्स जो हैं अपने आप में केमिस्ट्री में बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज हेलोजन्स आर लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बेसिक से एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के। और ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स को बिलोंग करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इट मीन्स इनके आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक तरह से एनायन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनायन बनाते हैं। लाइक एग्जांपल अगर मैं हम लें तो लाइक Cl-। हेयर वी हैव एन इंपॉर्टेंट नोट। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड
जो एलिमेंट्स पीरियड में प्रेजेंट होते हैं और हम कह सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन अ हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल एज यू नो दैट वी हैव अ सेवन पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं हमारे पास कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो सेवन हैं। तो इन्होंने बताया एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। वाइल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। इफ वी टेक द एग्जाम्पल लाइक द ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट अगर हम देखें तो ग्रुप फर्स्ट के हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे दीज आर लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। सो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट एनर्जी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है एंड इट इज़ NS1। इट मींस दीज ऑल एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एंड ऑल्सो हम ये कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो हैव द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की सेम होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर पीरियड्स की, तो पीरियड्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे दीज आर द डिफरेंट वन, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब एक एलिमेंट लाइक वी हैव सोडियम, देन मैग्नीशियम। इट मींस दीज बोथ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम पीरियड को तो बिलोंग करते हैं बट ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, अपने आप में ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, बिकॉज हेयर सोडियम इज अ बिलोंग्स टू द एल्कली मेटल एंड मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द एल्कलाइन अर्थ मेटल। और अगर हम इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1। बट अगर मैग्नीशियम की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम के पास NS2 होगी। और बिकॉज मैग्नीशियम में हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको